हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, जो वीडियो जी कोर्टलैंड कॉलेज के बारे में, कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आपको मेरी कोई भी बात क्लियर समझ आए तो प्लीज़ एक बार आप जरूर नीचे देख लीजिएगा। एंड अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं करते तो यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले ही इस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी थी। और वहाँ पर हम लाइव Q&A भी करते हैं, आपके जो जो क्वेश्चन रहते हैं उनको आंसर करने के लिए एवरी मंडे एंड सैटरडे, ठीक है जी। एंड जैसे एप्लीकेशन फीस कोटन कॉलेज की 200 कैट है, इनटेक जैन 24 इनटेक ओपन है, आज की रिक्वायरमेंट 6 की है, टोफल 86, पीटी 60, डुलिंगो 90। एंड ट्यूशन फीस आपको 10,000 से लेकर शुरू होकर 17,400 के आसपास आपको पड़ जाती है। कोर प्रोग्राम जो अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश स्टडीज बेसिक ESL प्रोग्राम है, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स बेसिक आर्ट्स प्रोग्राम है, अगर आपने आर्ट्स आपने की हुई है, आपके आर्ट्स में नंबर ओके हैं, या फिर आपका कोई अच्छा कोर्स सब्जेक्ट ना हो, बट अगर ये सारी चीज़ें हो भी, अच्छा कोर्स सब्जेक्ट भी हो, फिर भी वो बच्चा आई थिंक एवरी आर्ट स्टूडेंट कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम, और आपके वीज़ा आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाता है यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं बट समटाइम आप डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर रहे होते, देन यू कैन ऑफर दिस यूनिवर्सिटी ट्रांसफर डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल कि आपको क्या सूट करेगा और क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। एंड देन ये करने के बाद यू कैन ग्रेजुअली मूव ऑन टू फर्दर डिग्री प्रोग्राम, जिसमें और ये अच्छे रहते हैं प्रोग्राम। पहले एक मिसकंसेप्शन रहती थी कि ये इनमें क्या वीज़ा आने के चांसेस अच्छे नहीं होते, बट बहुत सारी ऐसी प्रोफाइलिंग होती हैं जिनमें नंबर अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे कोर मार्क्स नहीं होते, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे प्रोग्राम रहते हैं। अगर फाइनेंशियल वगैरह ठीक हो, फाइनेंशियल ठीक से मेरा मतलब है ITR 6 लाख से तो या थोड़ी ज़्यादा हो, तो उन ब्रो बच्चों और आप फीस भी वगैरह पे कर रहे हो तो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर अच्छे माँ आपके को सब्जेक्ट ना हो, यू कैन यू नो शो दीज अप्लाई इन दिस प्रोग्राम एंड देन प्रॉपरली एक्सप्लेन योर प्लान एंड वीज़ा आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं, ठीक है जी। एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी है, जो मैं चीज़ें आपको मैंने बताई हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।